इस्लाम धर्मात निकाह साध्या पद्धतीने करण्याची शिकवण देण्यात आली आहे. त्या आधारे युवा आदर्श मल्टीपर्पज सोशल ग्रुपतर्फे गेल्या 12 वर्षापासून इस्तेमाही शादिया केले जातात. आजच्या सोहळ्यात 9 जोडप्यांचा विवाह झाला. नववधूवरांना संसारोपयोगी वस्तूंची भेट देण्यात आली. खतीबे शहर हाफिज हिसामुद्दीन अश्रफी तसेच शहरे काजी मोहिनुद्दीन काजी यांनी निकाहचा धार्मिक विधी पार पाडला. ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष बबलू शेख यांच्या उपक्रमात सक्रिय सहभाग राहिला आहे. या उपक्रमातून आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्यांना मोठा हातभार लागतो असं खासदार हेमंत गोडसे म्हणाले. या उपक्रमाद्वारे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नावाप्रमाणे आदर्श तयार केला आहे. इतर संस्थांनी शेख आणि त्यांच्या संस्थेचा आदर्श घ्यावा असेही ते म्हणाले. काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे शहराध्यक्ष हनीफ बशीर, सलीम मिर्झा, बाळासाहेब पाठक, इकबाल तंबोळी, एजाज शेख, उस्मान खान, समीर शेख, आसिफ शेख, हाजी अलीम पीरजादा, सलीम शेख आदी यावेळी उपस्थित होते. दरम्यान युवा आदर्श मल्टीपर्पज सोशल ग्रुपतर्फे वर्षभर विविध प्रकारचे सामाजिक उपक्रम द्वारका परिसरातील हरिनगरी राबवले जातात. विवाह सोहळ्यात येथील मैदानावर सोहळा पार पडलाय. सामाजिक उपक्रम यावेळी राबवण्यात आले. रक्तदान तसेच नेत्ररोग शिबिर झाले. वराडी मंडळींसह परिसरातील रहिवाशांनी शिबिराचा लाभ घेतला. 12 साल से बबलू भाई अपने सब टीम के साथ में इस दिन की राह देखते हैं कि एक अच्छा नेक काम हमारे से किया जा रहा है. अगर हम देखें तो एक कॉमन जो फैमिली होती है तो उनके लिए उनके सपने दो ही होते हैं. एक तो अपना खुद का घर हो और अपने बच्चों की शादी हो. मुझे लगता है कि ये जो दूसरे का दुख बोलो या दूसरे को मदद करना, लेकिन प्रोग्राम करते वक्त ऐसा बबलू भाई प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करते कि ये खुद के फैमिली का ये परिवार का ये समारंभ है. मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जैसे उन्होंने नाम दिया है युवा आदर्श मल्टीपर्पज संस्था, तो निश्चित रूप से बबलू और उनके सहयोगी जो है एक आदर्श है, एक नेक काम अपने समाज के लिए यहाँ पे करते. ना मेरे के औकात है, ना मेरे कुछ ठिकाना है, ये तो बस आप लोगों का एहसान है और मेरे सरकार का करम है. जो 12 साल से मैं लगातार शादियां करते आया हूँ, ये शादियां मैंने अकेले ने कभी नहीं किया, ना मैं कर सकूंगा. ये आप राष्ट्रपति के नेता हमारे सभी लगे सलीम भाई अपने उपस्थित सलीम भाई मंच पर तशरीफ. ये तो सब आप लोग हैं भैया, आपका हाथ है. हेमंत अप्पा गोडसे जो लगातार 12 साल से मेरे साथ में खड़े हुए और जो मंच में बैठे हुए सब उलमा मियां बाबा बड़ा वो बाटा और जितने भी मेरे साथ बैठे हुए, मैं अकेला कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा. और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का साथ और प्यार मेरे साथ रहा तो 12 साल के अपने 20 साल तक ऐसी. और हर बाप को अपनी बेटी शहजादी ही लगती है और हर बाप को अपना बेटा शहजादा लगता है. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी की बात है, निकाह खानी हो चुकी है, खुतबा जो है बाकी है, जितना हम यहाँ बैठे हुए हैं. मैं एडवांस में भी मुबारकबाद दे देता हूँ, बात की भी मुबारकबाद आप ले लीजिए. सभी जोड़ों को बहुत बहुत अल्लाह ताला की तरफ से जोड़े सलामत रहे, उनको सारी खुशियां मिले. और जो भी बच्चों की यहाँ निकाह खानी हो रही है, मैं इतना ही कहूंगा ये सब तुम्हारा करम है, माता के बाद अब तक बनी हुई है. बस सुन्नियत के हिसाब से अपने पूरे ही खानदान को चलाए, मेरे आका की सुन्नतों पे चले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चले. إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وهن إلا بأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بارك الله. जबाबदारी न्याय हक्काची.